Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा सीट से प्रत्याशी जहां समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तो वहीं भाजपा ने अब तक अपने पत्ते साफ न किए, लेकिन शिवसेना के एक नेता ने डिंपल यादव के सामने धमाकेदार दावेदारी ठोंक दी है। राजनीतिक गलियारों के हलचल पैदा करके फर्रुखाबाद जिले के रहने वाले शिवसेना के नेता बिछरामऊ से कन्नौज जिला मुख्यालय तक आधा सैकड़ा से अधिक चार पहिया वाहनों पर अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। आनंद विक्रम ने ठोंकी दावेदारी। बताते चले कि फर्रुखाबाद जिले के आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले आनंद विक्रम ने चार पहिया वाहनों के काफिले के साथ कन्नौज जिला मुख्यालय तक VIP जिले की राजनीतिक अपनी धाक जमाने का प्रयास किया है। उन्होंने स्थानीय गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना टिकट से कन्नौज लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ने के लिए यहां आए हैं और पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कन्नौज से कौन सी पार्टी जीतेगी चुनाव? डिंपल यादव मारेंगे बाजी या आनंद विक्रम ले जाएंगे सकता? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। न्यूज़ अच्छी लगी तो न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।